सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, अगर आपके पास होगा एयरटेल का सिम और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं, आधार कार्ड से लिंक कर चुके हैं, तो ये न्यूज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयरटेल ने आप सभी के साथ एक तरह से फ्रॉड किया है और उसमें से हो सकता है कि आप भी होंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे एयरटेल एक तरह से कह सकते हैं अपना बेनिफिट के लिए सभी लोगों के साथ स्कैम कर दिया है, धोखा कर दिया है। ये यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही आप जाते हैं आधार कार्ड KYC की मतलब नया सिम जब लेते हैं तो नया सिम लेने के लिए क्या होता है KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ये चाहे बैंक हो या कोई भी सर्विस हो, वहाँ पे आप अपने कस्टमर का कंप्लीट डिटेल लेते हैं। तो KYC में ऑलरेडी वीडियो बनाया था, KYC का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर के सारे डिटेल को आप अपने पास सेफ रखते हैं। और जब से आधार लिंक पाया तब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई कि आपको पूरा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, सिंपली आप फिंगरप्रिंट अटैच कीजिए, वहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रेस करने के बाद आपका सारा वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा डेटाबेस जो है रिकॉर्ड है ऑलरेडी UIDAI के पास है। तो दोस्तों, क्या किया है एयरटेल, धोखा क्या किया कि जैसे ही आप KYC करवाने के लिए लोग जाते हैं तो उसके साथ साथ एयरटेल ने ओपन किया था एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसे कि आपको आप जानते होंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, ऐसे ही एयरटेल पेमेंट बैंक है। ये पेमेंट बैंक जैसे जनरल खाता होता है ऐसे ही ये भी खाता होता है, लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत खोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ़ायदा ये रहता है कि दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है। तो पेमेंट बैंक खोलना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन विदाउट कस्टमर के परमिशन से आप उसका अकाउंट खोल देना ये बहुत ही गलत बात है। फिर दोस्तों, ये वही बात हो गई कि जैसे कि किसी के नाम के बिना, किसी के इन्फॉर्मेशन के बिना आप सिम कार्ड ले लेते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए आधार कार्ड से कनेक्शन KYC कनेक्शन शुरू किया गया, लेकिन KYC के बहाने अगर आपका पेमेंट बैंक खोल दिया जाए, और उससे भी चलिए वहाँ पेमेंट बैंक खोलने तक तो ठीक है, सबसे बड़ा स्कैम ये हो गया है यहाँ पे कि दोस्तों, जिनके पास LPG का सब्सिडी मिलता था ना, गैस का सब्सिडी मिलता था, वो सब्सिडी उस उनके दूसरे अकाउंट में नहीं जा करके इनके ये जो पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें LPG का सब्सिडी चला गया। तो बहुत सारे लोग जो इसका कंप्लेन किए, क्योंकि जब वो सब्सिडी चेक किए तो सब्सिडी उनको मिला नहीं, बाद में पता लगा ये कि ये तो पेमेंट बैंक वाले जो अकाउंट है उसमें सब्सिडी जा रहा है। तो ये कंप्लेन जैसे ही UIDAI के पास गया, UIDAI आप लोग जान रहे हैं ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके आधार कार्ड का सारा कंट्रोलिंग करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जब इसको जो है पूरा ऑडिट कर रहा था, चेक किया एक तरह से, तो इसके बाद पाया कि नहीं, एयरटेल सही में गलती किया है और इसको टेम्परली अभी जो है इसका जो KYC वेरिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है। अब इससे देखिए आपके सामने क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप जो KYC करवाने जाइएगा तो ये पुराने सिस्टम से अभी एयरटेल वाले का जो पेपर वर्क करना पड़ता है ऐसे करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी ऑडिट चल रहा है इसका, अगर इसमें मेजर फॉल्ट पाया गया तो हो सकता है कि परमानेंटली जो है इसको, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, इसके सस्पेंड नहीं सीधे रद्द कर दिया जाएगा, परमानेंटली टेम्पररी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में एयरटेल को बचना भी चाहिए, एक तो ऐसे ही जियो के मार से खा रहा था और ये गलती करके, देखिए इसका इसमें एयरटेल ऐसा क्यों कर रहा है ये भी थोड़ा समझ लीजिए, अगर ये वीडियो बता ही दिया। रीज़न ये है, एयरटेल दिनों दिन जो है जियो के कारण लॉस में चलता जा रहा है, ये सोचा कि एकाएक जो है ये सब्सिडी वाला फंड ले लेंगे तो तुरंत इसके पास जो पैसा आ जाएगा और उस पैसे से जो है तुरंत कमा सकता है, रिकवर कर सकता है, ये इसका सोच हो सकता है। लेकिन भैया, स्कैम तो स्कैम है, धोखा तो धोखा है, इसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके पास है एयरटेल का सिम, तो अगर आप अभी तक वेरीफाई नहीं करवाए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है, चूंकि मैं भी अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया, मैं सोचे हुए था कि फरवरी से पहले करना है, लेकिन अब अच्छी खबर निकल के आ गई, हो सकता है कि MNP कर ले। इससे मैं एयरटेल को ही नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लोग का ट्रस्ट जो है टूटेगा और लोग जो है इससे भागेंगे। क्या पता कल के डेट में, आज के डेट में मैं जाऊँ और वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे दूँ, रीवेरिफिकेशन करूँ, पता चले मेरा ID का यूज करके कुछ और ओपन कर दिया या कहीं जगह लगा दिया, तो ये गलत चीज़ था। एनीवे, अगर आप नहीं कराए तो वो भी अच्छी बात है, अगर कराए हैं तो कोई, देखिए आपका अगर LPG से कनेक्शन नहीं था तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी चेकअप कर लीजिए कहीं आपका जो है एयरटेल पेमेंट बैंक तो नहीं खुल चुका है, अगर खुल चुका है तो फिर आगे जो प्रोसेस है वो कंप्लेन आप दायर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों, हो सकता है कि आपके सर्किल में या आपके फैमिली में या किसी दोस्त के पास ये न्यूज़ ना मिला हो,
चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको जानकारी मिल जाए और अपने आप को सेफ रख सके और आने में फ्यूचर में कोई भी इनके साथ जो है धोखा ना हो। और अगर ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।